वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं फिर से आपके लिए उज्जैन शहर में और आज हम आए हैं डिसेंट कार बाजार पे और यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारा कलेक्शन है और आज आपको सारा कलेक्शन दिखाएंगे। एक वीडियो में आपको 5 सीटर गाड़ी दिखाएंगे और एक वीडियो में आपको 7 सीटर और साथ में 12 सीटर आपको तूफान दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपको 7 सीटर और तूफान वाला देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी गाड़ी होने वाली है, बहुत सारा कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रोनक मोटर और डिसेंट कार मोटर दोनों को मिला के देखें तो 100 का कलेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा गाड़ी होने वाली है तो बहुत शानदार गाड़ी होने वाली है। शानदार से मतलब ये है कि आप आइए, चेक करिए, चेक करने के बाद में आप अच्छे से करके ले जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आप निभाइए। आप चाहे तो मैकेनिक ला सकते हैं, आप चाहे तो शोरूम पे जाके दिखा सकते हैं, मतलब आपके ऊपर अच्छा है, यहाँ से आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन होने वाला है, बहुत शानदार गाड़ी होने वाली है। तो चलिए गाड़ी आपको दिखाते हैं, सारा कलेक्शन दिखाते हैं और आज आपको वीडियो में मज़ा आएगा क्योंकि आज आपकी मनपसंद गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाएगी। दिखाते हैं सारी 7 सीटर गाड़ियाँ और 7 सीटर के बाद में आपको इसमें तूफान भी दिखाते हैं। तो तूफान भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। 2019 मॉडल है, 850,000 की डिमांड है और इसके बाद में ये 3 सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फोर्स मोटर 2.0 CR की इसमें कुछ बेल्टिंग वगैरह लगी हुई है। डीजल गाड़ी आपको देखने को मिलती ही है और उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से आपको बाहर से कंडीशन आपको देखने मिलेगी। ट्रैक्स करके इसमें नाम है। तो 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर आती, लेकिन ये गाड़ी आपको 3 सिलेंडर मिलेगी पावर ब्रेक के साथ में। तो डिमांड इसकी जो रखी गई 850,000 2019 मॉडल डीजल गाड़ी आपको देखेंगे। फर्स्ट ओनर ये भी है, फर्स्ट ओनर आपको ये भी देखने को मिल जाएगी। तो 29,000 किलोमीटर इसमें आप गाड़ी को देखने को मिलेगा। टायर की कंडीशन जो है वो बिल्कुल नए सारे टायर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये गाड़ी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। अंदर से भी आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर की कंडीशन देखने को मिलेगी इस गाड़ी की। 33,000 किलोमीटर का ये किलोमीटर शो कर रहा है इसमें और लगभग 12 सीटर गाड़ी होती है, लेकिन ये 14-15 जो भी आप इसमें बिठा लो इसमें कोई लिमिट नहीं, क्योंकि गाड़ी इतनी शानदार होती है और कोई लैगिंग नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको दिखाते हैं एक और फोर्स मोटर की तूफान आपको दिखाते हैं, पावर स्टीयरिंग के साथ में आपको देखने को मिलेगी। इसी पावर स्टीयरिंग थी, इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगी और इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगी और पावर ब्रेक भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 2017 का मैन्युफैक्चर, 18 का रजिस्टर्ड है और उसके बाद में जो गाड़ी है 7.5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। टायर इसमें आगे के दोनों आपको नए देखने को मिलेंगे, पीछे टायर आपको लगभग घिसे हुए देखने को मिलेंगे। और ये गाड़ी की कंडीशन है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी कंडीशन, फोर्स की तूफान गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। 2018 मॉडल है और डिमांड जो इसकी 7.5 लाख की डीजल गाड़ी होती है। पावर ब्रेक का इसमें कुछ बेचिंग वगैरह लगी हुई है और ये गाड़ी कंडीशन अंदर से भी दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट ओनर गाड़ी होती है और इसके जो किलोमीटर है इसमें 19,000 किलोमीटर शो करा, 19,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और ये गाड़ी कंडीशन आप देखते हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से। लगभग 12 सीटर गाड़ी होती ना, 12 सीटर होती, लेकिन 13, 14, 15 जो भी आप बिठा लो गाड़ी की कैपेसिटी इतनी शानदार है कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं था। चेचिस आप देखते हैं, इतनी मोटे मोटे चेचिस के बैंड वगैरह लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी बहुत पावरफुल गाड़ी होती है। फिर आपको दिखाते हैं 7 सीटर के हिसाब से आप ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा 2018 मॉडल। आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा देखने को मिलेगी, 8.5 लाख की इसकी डिमांड है, कम ज़्यादा हो सकते हैं बैठक पे। उसके बाद में जो टायर की कंडीशन आपको बता दूँ कि लगभग 60-70 के आसपास का परसेंट आपको इसमें टायर देखने को मिलेंगे और ये गाड़ी एकदम चमचमाती कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। VDI वेरिएंट है, स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आपको देखने को मिलेगी 2018 मॉडल और 8.5 लाख की डिमांड में। फिर आपको इंटरव्यू दिखाते हैं, VDI वेरिएंट आपको सेम इस तरीके से VDI वेरिएंट में आपको सेम देखने को मिलता है। इसमें आपको बाहर से LCD वगैरह देखने को मिल जाएगी और ये चारों पावर लॉक अनलॉक सिस्टम वगैरह सब मिरर भी एडजस्टेबल और 7 सीटर गाड़ी होती है, आप जानते ही हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी भी होती है। तो फर्स्ट ओनर ये भी देखने को मिलेगी, डीजल गाड़ी ये भी देखने को मिलेगी और उसके बाद में सेम आपको ये देखने को मिलेगा 2018 8.5 लाख की इसकी भी डिमांड और सेम आपको भी इसमें VDI वेरिएंट स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ में आपको देखने को मिलेगा। टायर कंडीशन जो है लगभग 70-80% का आपको इसमें टायर भी देखने को मिल जाएंगे। और जो बात करें कि वही 7 सीटर गाड़ी होती है, VDI वेरिएंट सेम आपको सब कुछ देखने को मिलता है। इसका किलोमीटर क्या होगा, 75 के आसपास का इसका किलोमीटर है और लगभग इसका कितना होगा, लगभग 75,000 के आसपास का इससे किलोमीटर सेम देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी गाड़ी आपको लगभग फर्स्ट ओनर है, ये दोनों गाड़ी आपको फर्स्ट ओनर है, ये भी गाड़ी फर्स्ट ओनर है। 2016 मॉडल है, डिमांड 7 लाख की इसकी डिमांड रखी है। ये गाड़ी आप देखते हैं इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। VDI वेरिएंट है, सेम स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम भी इसमें साथ में और जो टायर है वो लगभग आगे के दोनों 50% है और पीछे के दोनों लगभग घिसे हुए हैं। तो ये गाड़ी कंडीशन है और
7 लाख की इसकी डिमांड रखी गई है। स्मार्ट हाईब्रिड सिस्टम के साथ वीडियो वेरिएंट 2016 मॉडल मारुति सुजुकी अर्टिगा। फिर इसमें आपको अंदर दिखाते हैं कि चारों पावर विंडो, लोकल लॉक सिस्टम, मिरर भी एडजस्टेबल, और किलोमीटर का 65,000 लगभग 65,000 किलोमीटर के आसपास था। किलोमीटर में देखना स्टेयरिंग पर इस तरह के कंट्रोल, 7 सीटर गाड़ी आपको हमेशा मारकेट में देखने को मिलती है। मारुति सुजुकी ईको दिखाते हैं आपको अगली गाड़ी, और इसका 2018 मॉडल है। क्या डिमांड है? पेट्रोल प्लस सीएनजी है। पेट्रोल प्लस सीएनजी भी आपको देखने को मिलेगी। कंपनी फिटेड है? हाँ, कंपनी फिटेड। कंपनी फिटेड सीएनजी डबल टैंक लगा। कैपेसिटी क्या होगी इसकी किलो की? एक 8 किलो का टैंक है और एक 4 किलो का टैंक है। लगभग 12 किलो का टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 2 टैंक और 12 किलो की कैपेसिटी मिल जाएगी इसमें गाड़ी में। 18 मॉडल डिमांड क्या है? 4.5 लाख। 4.5 लाख की इसकी डिमांड रखी गई। टायर की बात करें तो लगभग आपको फ्रंट टायर आपको 80% के आसपास देखने मिल जाएगा, और बैक टायर आपको इसमें घिसे हुए देखने मिल जाएंगे। इस तरीके से चमचमाती कंडीशन आपको मारुति सुजुकी ईको प्लस की देखने को मिलेगी। लिमिटेड एडिशन के नाम से इसकी बेचिंग है, और कुछ इस तरीके से खूबसूरत और साफ़ सुथरा इसमें इंटीरियर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो किलोमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा इसमें? चलिए 80-85 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी शानदार कंडीशन में पेट्रोल प्लस एलपीजी आपको देखने को मिलेगी। ईको प्लस का ये गाड़ी आपको वेरिएंट इसमें क्या था? सेवन सीटर मतलब इसमें रजिस्टर्ड है ना, 7 सीटर गाड़ी आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये 7 सीटर है, इसमें आपको एसी नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद में चलिए आपको अगली गाड़ी दिखाते हैं, महिंद्रा की T4 Plus का वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, और ये गाड़ी कंडीशन है ब्लैक कलर में, वाइट सनरूफ में इसमें आपको देखने मिलेगी। और उसके बाद में ये गाड़ी कंडीशन है, टायर इसमें लगभग सबको सभी हिस्से मिलेंगे, मतलब टायर आपको लगभग बदलने जैसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो टायर की आप बात कर सकते हैं क्या? 7 लाख की डिमांड, 7.5 लाख की लगभग इसकी डिमांड रखी गई है। T4 Plus का वेरिएंट है, महिंद्रा TUV300, और ये गाड़ी कंडीशन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ओनर है, और 75,000 के आसपास, 80,000 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। 7 सीटर गाड़ी होती है महिंद्रा TUV300, आपको ये गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी डीजल में। महिंद्रा की TUV300 आपको एक और दिखाने वाले हैं, जो कि 2018 मॉडल है, T10 वेरिएंट है, T10 वर्धन है, और शानदार कंडीशन में लाल कलर में आपको देखने को मिलेगा। MP 66 की गाड़ी है, लोकल MP की गाड़ी है, TUV300, जो कि बहुत शानदार कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। शानदार सा मतलब है, आइए चेक करिए, समझिए, उसके बाद में आप अपने हिसाब से ले जाइए। T10 और 9 लाख की डिमांड में ना, 9 लाख की डिमांड में डीजल वेरिएंट आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट ओनर है। और उसके बाद टायर कंडीशन में बता दूँ आपको, तो लगभग बैक टायर आपको पूरा घिसा हुआ मिलेगा, लेकिन फ्रंट टायर भी आपको लगभग वैसे के वैसे मिलेगा। तो टायर आपको सारे बदलना पड़ेंगे इस गाड़ी में। 70,000 के आसपास का किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा की बोलेरो आपको दिखाते हैं, 2011 मॉडल है, 3,25,000 की इसकी डिमांड रखी गई है, जो कि नेगोशिएबल है। SLE वेरिएंट है ये, आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद टायर की बात करें तो लगभग सारे टायर आपको लगभग नए जैसे देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो ये गाड़ी कंडीशन है, आप आगे इससे भी उधर से मैं दिखाता हूँ, तो इस तरफ से भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये SLE वेरिएंट है, 3,25,000 की डिमांड में डीजल गाड़ी आपको महिंद्रा हमेशा देखने को मिलती है। बोलेरो सेकेंड ओनर गाड़ी आपको ये देखने को मिलेगी। बात करें तो लगभग 70,000 से 80,000 के किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको मिलेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर ही आपको ऑफिस मिल जाएगा। और सर से बात करते हैं, सर फाइनेंस की सुविधा? फाइनेंस की सुविधा फुल उपलब्ध मिलेगी यहाँ पे, जो भी आदमी के कस्टमर के जिस हिसाब के पेपर होंगे उस हिसाब से उसको कस्टमर को यहाँ पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। जैसे कस्टमर आते हैं हमारे घर, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो ड्राइवर रहते हैं लोग, उनके ना हैवी लाइसेंस होता है, तो अगर हैवी लाइसेंस उनका पुराना होता है तो हम उस हैवी लाइसेंस के ऊपर भी उनको लोन प्राइवेट करा देते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो लाइसेंस पे भी करती हैं, लाइसेंस भी आपको मतलब यहाँ पे जो है फाइनेंस मिल जाएगा। फाइनेंस सर ज़्यादा लाइसेंस के ऊपर 50% फाइनेंस मिल जाएगा, लाइसेंस के ऊपर फाइनेंस 50%। हाँ, और बाकी अगर कस्टमर का पेपर अच्छे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, ज़मीन की पावती वगैरह, तो 80-90% लोन मिल जाएगा उसको। 90% आपको जैसे सरकारी सर्वेंट है तो सरकारी आदमी के ऊपर अभी मान के चले 90-95% लोन हो जाता है, लेकिन कस्टमर उस हिसाब का होना, उसकी सिविल वगैरह ख़राब नहीं होना चाहिए। क्या होता आज के तारीख में आदमी मोबाइल ले लेता है, उसको ध्यान देता नहीं है और उसमें सिविल ख़राब कर लेता है। कस्टमर का अगर पेपर अच्छे होंगे तो अपन 80-90% लोन करके गाड़ी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कस्टमर का कोई पेपर में प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग की कोई जवाबदारी नहीं। फाइनेंस हो जैसे गाड़ी खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ है? गाड़ी के खरीदने के लिए फाइनेंस अगर आप लेकिन लेंगे तो फाइनेंस के लिए आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा और पहले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा,
और इनकी फोटोकॉपी लगेगी सारे पेपर की। और अगर आपके अगर इनकम टैक्स वगैरह नहीं है तो फिर आपको इसके अंदर लगेगा ज़मीन की पावती, कम से कम 10 बीघा हो तो आपको फाइनेंस हो जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा इस चीज़ में। वो भी अभी ज़मीन की पावती इसलिए बढ़ा दी गई, लॉकडाउन के बाद ये चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले नॉर्मल उसमें फाइनेंस हो जाया करता था। सर बात है सर, अगर यहाँ से कोई फाइनेंस वाला अपने गाड़ी खरीदता है अदर डिस्ट्रिक्ट से जी या अदर स्टेट से जी, तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को क्या करना पड़ेगा सर? अदर डिस्ट्रिक्ट वाले को ये करना पड़ेगा, कैश पेमेंट में देके ले आना पड़ेगी। उसके लिए हमें सुविधा ये कर देंगे कि जोन सी कंपनी हमारे यहाँ है, जैसे AU है, महिंद्रा है, FDFC है, ICICI है, जो भी कंपनी है टोटल, उन कंपनियों को हम यहाँ से लेके वहाँ तक के उनकी चेन बिठा देंगे भाई, यहाँ के अधिकारी से हम वहाँ खिलवा देंगे तो वहाँ उनको फाइनेंस आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ अपनों फाइनेंस यहाँ नकद देना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट के अंदर क्या होता है, यहाँ की स्टेट फाइनेंस नहीं करेगी, वहाँ की स्टेट करेगी, तो अपन वहाँ की स्टेट में उनको हेल्प करा देंगे उनके लिए फाइनेंस के लिए। तो ये थी यहाँ के ओनर सर से मैंने आपकी जो बात कराई, और उम्मीद है आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो लाइक करा करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ना 50-60 किलोमीटर का सफ़र करके आप लोगों के लिए इस तरीके के वीडियो वगैरह बनाना और सही सही जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर जाएं, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, आप मध्य प्रदेश के लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह मिलती है इस तरीके से। रेट वगैरह आपको तय करना है, कम है ज़्यादा है, बार्गेनिंग आप किस तरीके से करते हैं उस तरीके से आप बार्गेनिंग करके आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है गाड़ी खरीदें। और उसके बाद में लास्ट बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी खरीदने आते हैं, सबसे पहले तो आप मेरे YouTube चैनल का नाम लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा।